दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, किताब खोलते ही आपको नींद आने लगती है, आप सोचते हैं कुछ बड़ा करने की लेकिन कर नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पा रहे हैं? अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देख लेना। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सभी जानते हैं, पर क्या आप ये बात जानते हैं कि वो किताब का पहला और आखिरी पन्ना पढ़कर किताब के अंदर लिखी सारी बातें बता सकते थे? हमें पता है सुनने में चीज कई सारे लोगों को बनावटी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने दिमाग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था जिसकी वजह से वो इस तरह की चीजें कर पाते थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप चाहे तो आप भी इस तरह का दिमाग पा सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान को जिंदगी में सफल होना है तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग पर काबू करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में हम आपको दिमाग को तेज करने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसे करने के बाद शर्त लगा लीजिए आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों बिना एक पल भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ ये शानदार वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसा सक्सेस मंत्रा बताएंगे जिसकी वजह से आप अपने गोल को 100% अचीव कर पाएंगे, और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अपने दिमाग में कोई हाई लेवल की चीज सोच लेनी है। जैसा कि आप सोच लो मुझे एक बड़ा घर बनाना है या फिर इस बड़ी गाड़ी में बैठना है, यानी कि आपको जो भी सपना देखना है वो बड़ा देखना है। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि इस तरह के खाली पुलाव बनाने से क्या फायदा जब हमें ये चीज मिले ही ना। तो दोस्तों यहीं पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हमने अभी आपको बताया सारा खेल ही आपके दिमाग का होता है। अगर आप माइंड में ही सोच कर बैठ जाएंगे कि आपको मिलना ही नहीं है तो भला आपको कैसे मिलेगा? आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को अपने मन में बैठा कर प्रयास करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है। अगर आपने ये चीजें कर ली तो अपने सपने पर एक बार भी डाउट न किया तो शर्त लगा लीजिए आप जिंदगी में सफल बनकर ही रहेंगे। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे दिमाग की सोच ही उस लेवल की नहीं है तो क्या करें? तो रोज तो उसके लिए बस आपको अपने दिमाग को तेज करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार आपका अगर दिमाग तेज हो गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा, और हम आपको जो बताने वाले हैं उसे करने के बाद आपका दिमाग इतना जीनियस हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। अब इसे करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला कि माइंड की एक्सरसाइज, दूसरा है माइंड को रेस्ट देना। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर पर सोते हैं और आपके माइंड को रेस्ट मिल जाता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि शायद आपको न पता हो लेकिन रात के समय में आपका दिमाग और भी तेजी से काम करता है। रात को सोते समय आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि आप दिन भर जो चीजें करते हैं वो आपके दिमाग में बिखरी हुई पड़ी रहती है, जिसे रात में सोने के बाद आपका दिमाग अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज करता है ताकि जरूरत पड़ने पर आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखी है वो आप वापस ले सकें। ठीक वैसे ही जैसे हम किताबें अपने टेबल पर बिखरा कर रख देते हैं और जरूरत पड़ने पर वो मिलती नहीं है, इसलिए हम उन्हें ऑर्गेनाइज करके वहीं रख देते हैं सही से, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें उन्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। आपका दिमाग भी आपके द्वारा ली गई इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ ऐसा ही करता है। अब आप सोच लीजिए, दिन में आप दिमाग चलाते ही हैं, रात में आपका दिमाग खुद ब खुद ही चलता है, तो भला इसे रेस्ट कब मिलेगा? और इसीलिए हम आपको आज दिमाग तेज करने का एक प्राचीन तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे जरूरी चीज होती है एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सभी बताते हैं, तो दोस्तों जरा ठहर जाइए, क्योंकि अगर अपने दिमाग को जितना शांत समझते हैं वो होता नहीं है, और इसे रेस्ट देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक खुली जगह पर पैरों को मोड़ कर बैठ जाना है और फिर अपने दिमाग में किसी एक चीज का विचार बार बार करना है, वो भी आंखें बंद करके। शर्त लगा लीजिए आप 30 सेकंड से ज्यादा उस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल पूरी तरह से हिला हुआ है। ऐसे में विज्ञान के फील्ड में तीन तरह के दिमाग के बारे में बताया गया है, एक है मंकी माइंड, एक है कॉन्सेंट्रेशन माइंड और एक है ब्लेस्ड माइंड। अगर हम पहले मंकी माइंड की बात करें तो दुनिया के 90% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि अधिकतर लोगों का दिमाग बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है और एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगला आता है कॉन्सेंट्रेशन माइंड। दोस्तों अगर आप चाहें तो मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में बदल सकते हैं, क्योंकि दिमाग ऐसा होता है जो फ्लो में काम करता है,
जो भी काम करता है उसे पूरी तरह से फोकस हो जाता है। और मेडिटेशन यानी कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाए रखना है, और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग भी इसी तरह बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सबसे पावरफुल माइंड की बात करें तो वो होता है ब्लेस्ड माइंड, और इस तरह का दिमाग दुनिया के गिने चुने लोगों के पास ही होता है। असल में दोस्तों, इस दिमाग की खासियत होती है कि इस तरह के इंसान का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, जहां इनका दिमाग उस लेवल पर पहुंच जाता है कि अगर इन्होंने कोई चीज एक बार कर ली तो उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलते। अब यहाँ बात आती है, आप अपने दिमाग को ब्लेस्ड माइंड में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र यानी कि 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि, अगर कोई भी इंसान इन सभी योग को पूरे अनुशासन के साथ करता है तो वो ब्लेस्ड माइंड की स्टेज तक पहुंच सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिख देना, हम स्पेशली आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब अगर हम दिमाग को रेस्ट कराने के बारे में बताएं तो दोस्तों, ये चीज थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन अगर आपने इसे कर लिया तो विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जहां आपको सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेडिटेशन करना है यानी कि ध्यान लगाना है। अब आप चाहे 5 मिनट करें या फिर 10 मिनट, मेडिटेशन आपको इसी टाइम पर करना है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसके साथ ही आपको अपने दिमाग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए दिन में 1 घंटा कोई भी बुक पढ़नी होगी। वो किताब चाहे जैसी भी हो, आप अपनी मनपसंद की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने इन सब चीजों को कर लिया तो विश्वास मानिए आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, इसे शेयर करने में कंजूसी मत करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।